हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास इंडियन। मैं हूं अंकुश और मैं फिर से आप सबका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो आपके ढेर सारे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आजकल हम सब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं। ट्रेन के ट्रैवल का एक ही पेन पॉइंट है कि अगर हम टिकट्स कैंसिल करते हैं तो हमारा ज़्यादातर बड़ा पैसा कट जाता है, यू नो। अब सपोज करो आप एक नॉर्मल टिकट भी आप कैंसिल करते हो तो आपको 120 रुपया कट रहा है, देन 50%, देन 25%, ये सब रूल्स आ जाते हैं यार। तो अब करें क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, अब तक तो भाई यही होता था, ओके। अब देयर इज एन ऑप्शन कि अगर आपको आपके टिकट का जो कॉस्ट है वो कैंसिल ना हो, मतलब कि बेसिकली आपका जो पैसा है वो रिफंड आ जाए, जो आपका एटलीस्ट जो टिकट का बेस फेयर है, तो उसके लिए अब एक ऑप्शन आ चुका है। यस, डेफिनेटली ये ऑप्शन IRCTC पे तो नहीं है, तो ये ऑप्शन कौन से ऐप पे, कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आगे चल के इफ यू नो कि भाई आपके साथ ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप जब भी टिकट्स बुक करते हो और आपकी टिकट्स कोई ना कोई बिजनेस रीजन या पर्सनल या किसी भी रीजन की वजह से कैंसिल हो जाती है, या कोई ऐसे डाइसी रीजन आ सकते हैं, तो आप अपने टिकट्स एटलीस्ट आप वहां से आप बुक करो। एटलीस्ट यू आर श्योर कि यार कल को अगर मेरी वो ट्रिप कैंसिल भी होती है तो आपका वो बेस फेयर तो डेफिनेटली वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखना, क्योंकि यहां पे आप ही के फायदे की बात है कि आपका अगर आप 1200-1500 रुपए की टिकट्स बुक करवाते हो, आपकी स्लीपर कोच की टिकट्स भी कम से कम 500-600-1000 रुपए की आ जाती है जहां पे, तो अगर आप ऐसी आप टिकट्स आप बुक करवा रहे हो तो वहां पे आपका पैसा पूरा का पूरा आपको रिफंड मिल सकता है। एंड अगेन मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने एक साथ 6 लोगों की टिकट्स निकाली हो एक साथ में एक स्लॉट में, तो उसमें से अगर 2 जन नहीं जा रहे हैं वो उनका कैंसिल हो रहा है, बाकी के 4 जा रहे हैं, तो आप वो 2 का भी आप पैसा आप रिफंड ले सकते हो। और एक चीज, ये तो हो गया कि अगर कोई पार्शियल कैंसिलेशन आता तो आपको पैसा मिलता है। सेकेंडली, आप अगर पूरा का पूरा टिकट कैंसिल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 जन की बुक की, 6 के 6 की कैंसिल हो रही है, तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। और एक चीज कि आपको ये जो फुल रिफंड है ये तत्काल टिकट्स पे भी मिलेगा। यस, आपने करेक्ट सुना, तो ये जो फुल रिफंड है ये आपको तत्काल टिकट्स पे भी मिलेगा। सिर्फ ये फुल रिफंड का एक ही गोल्डन रूल है, ये आपको इस ऐप पे ये ध्यान रखना है कि आपने जो टिकट बुक की है वो आपको 4 घंटे पहले या चार्ट प्रिपेयर होने के पहले आपको डेफिनेटली कैंसिल करना है, ओके? तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपको ये एक्चुअली में करना कैसे है। तो ये जो वेबसाइट है इसका नाम है confirmticket.com, एंड ये ऐप भी है, इनफैक्ट ये ऐप से ज्यादा फेमस हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि अभी आप ऐप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको समझो कि आपको मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तो आपको मुंबई टू अहमदाबाद के लिए सर्च करना है। आपको जो भी एग्जैक्ट ट्रेन लगे आप उस ट्रेन को सिलेक्ट कर लो अपने लिए। अब इस ट्रेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको सीधा नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। यहाँ पे आप पैसेंजर का नेम एंड उसकी डिटेल्स एंड एवरीथिंग आप उसकी एंटर कर सकते हो। एक बार ये एंटर करने के बाद ये आगे आगे जब आप स्क्रीन पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो ये आ गया ऑप्शन। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है कि पे नो चार्जेस Even when the ticket is cancelled. So, दोस्तों, इसमें अपना फायदा क्या हुआ कि आप थोड़ा सा एक nominal amount ज़्यादा दे के per ticket, which can be around, you know, 30-40 rupees to up to like 100-150, depends कि आप AC class ले रहे हो, sleeper class ले रहे हो, क्या ले रहे हो। But इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि यार आप उस per ticket का थोड़ा सा एक costing दे रहे हो, बट आप अगर इनके travel नहीं कर पाते हो due to any reason, तो आपका पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाता है। सेकेंडली, इस ऐप का जो UI है दैट इज वेरी गुड, इट works लाइक अ charm। मैंने खुद ने इसको बहुत टाइम यूज किया है, इट इज वेरी easy टू यूज, मैं ये कह सकता हूँ। सेकेंडली, आप अगर इसमें कोई तत्काल की टिकट्स भी बुक करते हो, तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप तत्काल की टिकट्स भी बुक करते हो एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू ट्रैवल, अब आपको पता है कि भाई तत्काल की टिकट्स वैसे ही हम कोई इमरजेंसी पर्पज के लिए बुक करते हैं, बट इन दैट सेंस अगर आप फिर भी उसी दिन आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो तो वो भी आप कैंसिल करके आप अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपको बिफोर द चार्ट इज प्रिपेयर्ड या 4 आवर्स बिफोर द जर्नी यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैंसिल द टिकट
वाया कंफर्म टिकट ऐप इटसेल्फ, क्योंकि आपने वहीं से ये टिकट बुक की थी, तो आपको आपका पूरा पैसा जो बेसिक फेयर है वो आपको पूरा वापस मिल जाएगा। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप सो कि अच्छा लगा होगा। क्यों बताओ? क्योंकि अगर आप कंफर्म टिकट के थ्रू आप अपनी टिकट्स को बुक करते हो तो आपको आपका पूरा का पूरा 100% फेयर रिटर्न मिलता है यार। वो तो एनी विच केस में IRCTC, अगर आप वैसे भी आप टिकट आप कैंसिल कर देते हो ना, तो ₹120 काट लेता है स्लीपर कोच का, करेक्ट? तो यार अपने पैसे बचाओ ना, क्यों उसको उड़ा रहे हो? सेकेंडली, एज अ मिडिल क्लास इंडियन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन वेयर आई कैन सेव माई मनी एंड मैं अच्छे से अच्छी ट्रैवल भी कर पाऊ, करेक्ट? सो दोस्तों, इस ऐप को यूज करो, इसके इस फीचर को यूज कर लो। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को ऑलरेडी यूज कर लिया होगा कहीं ना कहीं वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फीचर यूज करने के बाद अगर आपने एक्चुअली में जो टिकट्स है वो कैंसिल करनी पड़ी तो आपको कैसे क्या, रिफंड का प्रोसेस कैसा रहा, कितना फास्ट आपको पैसा आ गया, ये कितना ईजी था और आपको कितना बेहतर लगा ये IRCTC के रूल्स के सामने कि आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे के या आप अपना पैसा बचा रहे हो। तो भाई दोस्तों, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक आप इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करो एंड इसमें दिए हुए फीचर्स को या इस ऐप का जो डिस्कशन हमने किया है इसको पूरा यूटिलाइज कर लो।